जय श्री राम और जय श्री शंकर भोले बाबा की जय हो। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मैं आ गई हूँ रानी कुशवाहा आपके सामने शिव पुराण लेके। क्या शिव पुराण लेके आ गई हूँ। मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो सब शिव पुराण में से देख के बना रही हूँ। जो फूलों की बनाई है और संतान के लिए भी बनाई है, रोगों के लिए बनाई है, तो वो सब शिव पुराण में से देख के बना रही हूँ। और सब लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ भगवान जी की कृपा से। तो वीडियो देखी है आप और पुष्पों पे भी बनाई है कौन कौन से फूल हमें चढ़ाने तो उससे हमें क्या क्या लाभ होगा, ये मैंने बनाई है शंकर भोले बाबा की कृपा से। और आगे अब बता देती हूँ और भी बना रही हूँ मैं। क्या है कि हमारे कौन से पाप, क्या चीज करने से कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये इसमें बताइए। आज की वीडियो में मैं ये बता रही हूँ। देखो ध्यान से सुनना, छोटी छोटी वीडियो में बना रही हूँ, है ना, शिव जी के ऊपर, शिव जी के उपायों के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, फिर से सुनना, जो मनुष्य शिवलिंग की को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल को 3 बार आचमन करता है। आचमन कैसे, हाथ पे लेके जल को और पीना है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3री बार, 3 बार पीना है, आचमन करना है, इसको आचमन कहते हैं। उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ये बताया है। तो अब देखो कायिक, है ना, कायिक का क्या मतलब है मैं आपको बता रही हूं कि कायिक कर्म, कायिक पाप देह संबंधी, जो पाप करते हैं ना, जिन्हें ज्ञान है नहीं है पाप कर बैठते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है ये पाप, बहुत ज्यादा पाप हो रहा है, हैं, देह संबंधी पाप ये होता है कायिक, मतलब कहते हैं ना कालिक पौदीस ने तो हमारे मुंह पर, ऐसे बोला जाता है ना, तो ये ठीक है। और बातचीत का अर्थ है कटु बोलने वाला, बहुत कड़वे शब्द बोलने वाला, बिना सोचे समझे बस बोल देना है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बस बोलने से मतलब है, हैं, कटु बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत ज्यादा बड़ा पाप है, हैं, बोलने वाला, किसी को मतलब परोक्ष में किसी को दोष कहना, ऐसी दोष लगा दिया, वो भी झूठ बोलने में ही आ गया ना, तो ये कोई जिसमें कि कोई मतलब ही नहीं है और बस बोलने से मतलब है, बोल दिया ना, निष्प्रयोजन बातें करना, ये सब बातचीत में आ जाता है, मुंह से ही तो बोलते हैं, बोलेंगे ना मुंह से ही तो बोल के ये पाप कमाएंगे, तो इसलिए ये पाप हमें कोई नहीं कमाने हैं, हमें पुण्य कमाने हैं, क्या कमाने हैं, पुण्य कमाने हैं, झूठ नहीं बोलें, दूसरों की बहन बेटियों को मान सम्मान दें, उनको अपनी बहन बेटी समझें, कितना अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अब हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई बहनों, कोई अत्याचार मत करो, बहुत प्रेम से रहो, भारत एक अपना घर ही है, दूसरों की बहन बेटियों को अपना ही समझो, अपने आस पड़ोस की बेटियों को, अपने परिवार की बेटियों को, है ना, अपने शहर की बेटियों को, मतलब कोई भी बेटी आ जाए आपके सामने, चाहे अपनी कास्ट की हो चाहे दूसरे कास्ट की हो, है तो बेटियां ही ना, सब अपनी बेटी समझो और ये सब पाप करना छोड़ो। मानसिक पाप जैसे कटु बोलने वाला, इसमें भी है ना, कटु बोलने वाला, असत्य बोलने वाला, वही झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला,
है ना, किसी की निंदा करने वाला, हर एक किसी की निंदा कर दी जाती है, मन किसी अनिष्ट करने की इच्छा करना, किसी का बुरा करने, अनिष्ट किसी का बुरा करने की इच्छा करना, ये सब मानसिक मानसिक सोचेंगे तभी तो ये होगा, और नहीं सोचेंगे तो हम ये पाप नहीं करेंगे। ये सब पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शंकर भोले बाबा को, शिवलिंग को हम नहलाएं और फिर तीन बार आचमन कर लिया और हमारे पाप नष्ट हो गए। नहीं, शंकर भोले बाबा ये नहीं कह रहे हैं। उनका कहने के शंकर भोले बाबा का कहने का मतलब है कि अगर गलती से ये सब पाप हो जाए तो शिवलिंग को स्नान करा के अपने मतलब माफी कर मांग के और आगे नहीं करने हैं ये पाप, तब शंकर भोले बाबा माफ करेंगे। ये नहीं पाप करते जा रहे हो और स्नान कराते जा रहे हो, आचमन करते जा रहे हो, ये नहीं, ये नहीं, कभी नहीं। संकल्प लो कि हम आज के बाद में कभी हम पाप नहीं करेंगे और अच्छी राह पे चलेंगे। ये सब हम अपना सोच के रखें, सबकी बहन बेटियां अपनी हैं, सबके बच्चे अपने हैं, तो अच्छा जीवन व्यतीत होगा। भक्त शंकर भोले बाबा बहुत जल्दी कृपा करेंगे और तो माफ कर देंगे। और अगर ये सोच के नहीं किया मतलब, और स्नान करके आचमन करते रहे और पाप करते रहे, तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, और बल्कि दंड पे दंड मिलेगा। तुम दूसरों के साथ करोगे, भगवान अपने आप ही तुम्हारे साथ फिर वो बुरा करवाएंगे। कहते हैं ना, जैसा किया वैसे ही फल भोगो, ऐसा कहावत है ना, जैसा किया वैसा भोग रहो। तो पहले अगर तुम करोगे तो बाद में फिर ये पाप मिलेंगे। इससे अच्छा है हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आए पाप वाली कोई भी, तो जिससे कि हम पाप करें नहीं, अच्छे से सोचे, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें और सब अच्छे ही अच्छे अपने दिमाग में लेके आए बातों को, तो हमसे पाप होंगे ही नहीं। तो इसमें ये बताया है कि शिवलिंग को स्नान करा के तीन बार आचमन करें तो ये पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं फिर से बता देती हूँ, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये है 95 पेज नंबर पर, 95 उस पर है, और ये है 21 अध्याय 21 और 22 में, 15 हिंदी, मेरे पास हिंदी वाली मां से पुराण है, मेरे पास हिंदी वाली से पुराण है, और ये 95 पेज पर लिखा हुआ है। ये मैं इसमें से बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, जय। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय।